वेल, अगर ये स्क्रैप फोर्स नहीं है तो ये स्क्रैप फोर्स नहीं है। स्क्रैप यार्ड अब बच्चों के लिए है। हमने अपनी नजरें पूरी चीजों पे जमाई हुई हैं। आज के बाद हम जिस नाम से पुकारे जाएंगे वो है टफ गाय। क्या टफ गाइस, ये तो बहुत अच्छा नाम है बॉस। वेट, ये मैंने रखा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम खुद को क्या कहते हो एम्बर, मगर मुझे इन स्लग्स की फिक्र है जिन पर तुम जुल्म कर रहे हो। तुम्हें ये बंद करना होगा अभी। मैं किसी का ऑर्डर नहीं मानता, खास तौर पे शेन के का। बिल्कुल सुनो, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सॉरी बॉस। खास कर शेन की तो बिल्कुल नहीं। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, प्योर और सिंपल। मुझे अमीर बनना है और जो मेरे सामने आएगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। बेहतर यही होगा, ऐसा मत सोचो एम्बर, हमारे आसपास मासूम लोग हैं। ओ, मासूम। मासूमों को देखकर भी मुझे होती है मतली। तुम्हें पता है बॉस गुस्से में उल्टियाँ करता है, फिर उसके मुंह से बदबू आती है और आगे उसकी पड़कती है ऐसे। कान थक गए हैं मेरे ये वर्ड सुनकर मतली। डिस्काउंट पर स्लग्स बेचूंगा तो अमीर हो जाऊंगा। मैं कह चुका हूँ एम्बर, इसे बंद करो अभी। और मैं भी तुम्हें कह चुका हूँ, कभी नहीं। ओह मैन, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन बिन बुलाए मेहमान भी आ गए हैं इस पार्टी में। दिन के ऐलान से मुझे बिल्कुल बच्चे के लग रहे बॉस। उससे दर्द आया मैं। ये अजीबोगरीब चीजें कहाँ से आ रही हैं? शैडो क्लैंस बगैर बताए इसी तरह कहीं भी पहुँच जाते हैं। सवाल ये है कि ये लोग चाहते क्या है? मैं पता करता हूँ इससे पहले हालात खराब हो। सो नाइस नाइट। हाँ सन ऑफ शेन, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम हमारा मकसद जानते हो, स्लग्स की हिफाजत के लिए हमें जो करना होगा करेंगे। और जो मुझे करना चाहिए स्लग टेरा के तमाम लोगों के लिए मैं करके रहूंगा। मुझे बॉस एम्बर से बात करने दो, मैं इसे पीसफुली खत्म कर दूंगा। नहीं एलाई शेन, इन्हें सिर्फ हमारी बात समझ आएगी। वो इलाई से क्या कह रहा है? पता नहीं, मैं तो कभी भी शैडो की बात समझ ही नहीं पाता। जो स्लग्स को नुकसान पहुंचाएगा उसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई। व्हाट, तुमने अभी हमारी जबान में बात की? हाँ, मगर स्लग्स के लिए। Return fire! Trixie, God, पीछे से हमला करो। Right! On it! Huh?